हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही फेमस दाल रेसिपी, जिसका नाम है गोंगूरा दाल तड़का। ये दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर न्यूट्रिशियस और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए गोंगूरा दाल तड़का बनाना शुरू करते हैं। गोंगूरा दाल बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप गोंगूरा के पत्ते। गोंगूरा के पत्ते टेस्ट में इमली के पत्तों की तरह ही खट्टे होते हैं, इसलिए इसे खट्टा भाजी भी कहा जाता है। इन पत्तों को हमें पहले अच्छी तरीके से धो लेना है और बाद में हम इन्हें छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ 3 तरह की दाल ली है। सबसे पहले मैंने ली है 2 कप तुअर दाल, 1 कप हरी मूंग की दाल और 1/2 कप पीली मूंग की दाल। तड़का में डालने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच घी। साथ ही में 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 से 5 लहसुन जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 पिंच हींग, 1 थोड़ा धनिया गार्निशिंग के लिए। अब सबसे पहले हम इन सभी दालों को आपस में मिक्स करेंगे और इन्हें अच्छी तरीके से धो लेंगे। हम करीबन 2 से 3 बार इन्हें साफ पानी से निकालकर अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो अब हमारी दाल धुल गई है और हमने ये गोंगूरा के पत्तों को भी बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इस दाल में थोड़ी सी हल्दी और हींग डालकर इसे प्रेशर कुक करने के लिए रख देंगे। तो कुकर में मैंने पहले जाली रखी है और थोड़ा सा पानी भी रखा है और अब हम इसमें हमारी दाल और गोंगूरा के पत्ते सभी को साथ ही में प्रेशर कुक कर लेंगे। जाली की जगह आप नीचे स्टैंड भी रख सकते हैं। अगर स्टैंड और जाली दोनों भी नहीं हो तो आप कोई भी स्टील का बाउल या कटोरी लेकर उसे उल्टा करके भी रख सकते हैं। हम इसे 3 से 4 विसल तक प्रेशर कुक करेंगे और कुकर को पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद ही उसे खोलेंगे। यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा घी लिया है। घी के गर्म हो जाने पर हम इसमें प्रेशर कुक दाल को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें धीरे धीरे करके हम करीबन 1 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हमारे प्रेशर कुक गोंगूरा के पत्ते भी डाल देते हैं और इसे दाल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक भी डाल देते हैं। और अब ढक्कन लगाकर करीबन 1 बॉईल आने तक हम इसे पकाएंगे। अब दाल में बॉईल आ चुका है और दाल हमारी बनकर तैयार है। तो अब हम तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लेंगे घी। घी के गर्म हो जाने पर इसमें डाल देते हैं राई और साथ ही में जीरा। इसके बाद लहसुन और हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और हींग। तो दाल अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और इस पर जाएगा हमारा तड़का, साथ ही में थोड़ी सी धनिया और हमारी गोंगूरा दाल तड़का तैयार है।
आप इसे गर्मा गर्म राइस, रोटी या फुल्का के साथ सर्व करिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।